कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे ओ सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि वर्षा मतलब छोड़ के चली गई थी, एंड वर्षा को मैंने रात को कॉल किया तो उसने बोला कि यार पहले तुम अपना सोती सब क्लियर कर लो वरना मैं तुझे ब्रेकअप कर लूँगी। ऐसे कौन करते हैं, अब तो मैं सब कुछ वर्षा के लिए कर रहा हूँ, सोती को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे वर्षा मेरे को छोड़ रही है। क्या बोल सकते हैं हम, रखे नाम ऐसा ऐसा ही होता है। तो कोई नहीं, अभी मैंने वर्षा को बुला लिया उसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं उसके बाद समझाने वाला हूँ कि प्लीज़ वर्षा हम साथ में रहते हैं। और सोती को मैंने कॉल किया था एंड मैं इसको समझा दूंगा सोती को, क्योंकि सोती थोड़ा सा गुस्से वाली रखी है बट वो बहुत अच्छी दिल की और वो समझ जाएगी। बट अभी अभी इस बीच वो सोती कुछ भी नहीं समझ रही यार। तो वर्षा को भी, अभी वर्षा को आएगी अब मैं इसको क्लियर करना, प्लीज़ ब्रेकअप मत करो छोटी सी बात के लिए। इससे गैस क्या होता है यार वर्षा, क्योंकि वर्षा तो बहुत गुस्से में यार, उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार श्रुति ने उसके घर में कॉल कर दिया था एंड इवन पुलिस का कॉल चला गया था उसके घर पे यार, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यार। तो मैंने वर्षा को कॉल किया था, वर्षा बस आ रही यार, लेट सी देखते क्या होता है यार। सो गैस वर्षा आ रही है। मैं गुस्सा क्यों हूँगी, समझा दूंगा यार सूटी, अभी कॉल करूंगा तो मैं उसके घर जाऊंगा उसको समझाऊंगा कि कॉल कब नहीं करती है। तो मैं घर जाऊँगा तो एकदम क्लियर बोलने वाला हूँ, सूटी प्लीज घर के अंदर पुलिस आ रही है। उसके लिए सॉरी वर्षा, मैं मुझे नहीं लगा तुमको सूती ऐसा कुछ करेगी, मेरे को लगा सूती मेरे तक लेकिन मैं झेल लेता, बट तो तुम्हारे तक रहेगी, मेरे तक तो आएगी ना, क्योंकि तुम मुझसे ही तो जोड़ रहे हो ना। हो गया ना सॉरी यार, अब तुम उस चीज़ से ब्रेकअप करो तो गलत बात है ना वर्षा, तुम उस चीज़ से ब्रेकअप करो। सर पहली बात तो मैं ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, बस मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कब पुलिस आ जा रही है, कब श्रुति के घर से कोई आ जा रहा है, कब श्रुति कॉल करके मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। अच्छा लगता है ये सर अशु, अच्छा लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आई लव यू, पर मैं ये सब नहीं झेल पा रही हूँ यार, ये मेरे लिए टॉर्चर हो रहा है और मैं कुछ टाइम के लिए इलाहाबाद से भाग जा रही हूँ, क्योंकि मैं कितना झेलूँ, श्रुति मेरे घर में पुलिस भेज रही है, कॉल आ रहा है उसके घर, कल को पूरा उसका घर आ जाएगा मेरे घर पर, तो क्या होगा, मेरे पापा मम्मी तो फिर कहेंगे ना कि क्या हरकत हो रही है ये सब तुम्हारे साथ। मम्मी वैसे ही मुझे इतनी गालियाँ दे रही थी कि तुम्हें वीडियो तक की परमिशन दी थी कि चलो घर के बाहर हो, अपना काम करियो करो, लेकिन ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। बस ठीक है यार, हम लोग करते हैं ना, मैं भी सोचती बात करता हूँ ना, वो समझ जाएगी, वो अच्छी लड़की है, दिल की बहुत अच्छी लड़की है, समझ जाएगी। वो अच्छी लड़की होती तो मेरे घर में पुलिस नहीं आती और वो मुझे गालियाँ नहीं देती। हाल में ब्रेकअप से बहुत हो रही है, ठीक है वो अच्छी, वो तुम समझाओ ना उसको, मैं नहीं समझा, वो नहीं समझी बात को ना। मैं क्या करूँ अर्शन, मैं क्या करूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, बस मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक मीन्स कि ये सारे तुम श्रुति के साथ तुम्हारा जो भी मैटर चल रहा है तुम सॉर्ट आउट कर लो, उसको समझा दो। मैं श्रुति कॉल करूँ, ठीक है? नहीं आप क्यों हर बार भी उस दिन की तरह फिर तुम कॉल करोगे, फिर मेरे घर में कल पुलिस या फिर उसका भाई कॉल कर, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है उसके भाई ने मुझे कॉल करके मुझे धमकी दी। अरे ठीक है मैं फिर से कॉल, नहीं मेरे को नहीं जानना ये सब, मुझे नहीं पाना इन सब में, अब मैं अकेले आती जाती हूँ यार। सॉरी यार मत जाओ, मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ, मैं तुझे सॉरी पर मुझे जाना है, तुम ये सब सही कर लेना, मुझे एक बार कॉल कर देना कि वर्षा सब सही हो। सब क्यों जा गया यार, मैं मुझे तुम्हारे लिए, तुम मुझे छोड़ जा रही हो, सही गलत हो रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं नहीं आ रहा, नहीं रहती हूं, प्लीज ना बात समझो, तुम बात समझो, तू जा रही हो,
यार प्लीज़ मत जाओ, तुम्हें तो मेरी वो यार स्टेमिना हो यार, तुम जाओ तो मैं बिगड़ जाऊँगा, फिर मैं सोच कैसे बात करूँ यार। तुम संभाल लोगे मुझे पता है वर्षा, तुम्हें तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। प्लीज़ ये करके मुझे वापस बुला लेना जल्दी, मैं भी वापस आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। दे मुझे यार, मैं धोखा नहीं दे रही, दे रही बेबी, बेबी तुम धोखा दे रही हो, फंस गई हूँ बेबी, मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है बेबी, मैं क्या करूँ यार बेबी, मेरे खुदा मिला तो ये फासला है, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज तुम समझो, प्लीज तुम समझो, मुझे जाना है। जब वो हमसे कहते हैं ना तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी के हर मोड़ पे, पर अभी अभी मुझे जाने दो, क्योंकि बेबी मेरे पापा तक बात पहुंच गई ना, तो शायद मैं तुमको जो जाओ जाओ ठीक है, जाओ जाओ, ओके ठीक हो गया ना, जाओ सॉरी, सूती सही थी तुमसे अच्छी यार, मैं फालतू में उसको धोखा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए श्रुति सही थी तो तुम श्रुति के पास ही चले जाओ, वही सही थी ना, तुम यहाँ पे तुम जब मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें तुम इन सब सिनेरियो में कह रहे हो श्रुति तुम्हारे लिए सही है, जब यहाँ पे मुसीबत हो रही, तुम यहाँ पे भाग रही हो, मैं भाग नहीं रही, भाग रही है, ये सारी चीजों से हट रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्वॉल्व रहूंगी तो वैसे भी खुशी आई रहेगी, तो तुम अपना मैटर को सॉल्व करो यार, क्या मैं मेरे ऊपर चढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे से मेरा मैटर हो रहा, तुम यहाँ निकल रहे खिसक रहे ऊपर से, तुम्हारी वजह से मेरा मैटर हुआ, अगर तुम दो लड़कियों को डेट नहीं करते तो ये सब नहीं होता, मुझे बात नहीं करनी आनी चाहिए थी तुमसे अर्जुन, ये तुम बात कर रहे हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, गलती तुम्हारी, ये गलती नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे, सॉरी मेरे से कहिल क्लियर करते ना बात, तुम श्रुति से क्लियर करके मुझे कॉल कर, प्लीज सुनो ना वर्षा, अच्छा प्लीज यार व्हाट्सअप शिट हो गया यार वर्षा यार, समझो तुम समझो, एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिप